सीताराम गुरु जी। और ऐसा मत मानना आप लोग कि हम बहुत सबकी बातें मजाक में ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये स्वभाव में बैठे हैं। जी बहन सीताराम, मैंने सोचा नहीं था कि आपकी कृपा मेरे ऊपर होगी, मेरी मैं बहुत बहुत धन्य हो गई आपकी कृपा पाके। मेरा ये सवाल है, मतलब बहुत दिन से मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा हुआ था, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था जैसे और मूर्तियां जो रहती हैं खंडित हो जाती हैं तो उनको अपन विसर्जन कर देते हैं, लेकिन जो शिव जी की जो शिवलिंग रहती है अगर वो खंडित होती है तो अपन उसकी पूजा क्यों करते हैं? ऐसा कहीं लिखा है? मैंने एक बुक में पढ़ा था, मुझे काफी टाइम से था, मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था लेकिन उसमें किसी ने जवाब नहीं दिया। शास्त्रोक्त मत तो ऐसा नहीं है भगवान। अच्छा, पहला तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा उत्तर भी आ रहा। भगवान पहली बात खंडित होते ही नहीं, वो अखंडित है। तो फिर अपन और वाली जो मूर्तियां रहते हैं फिर उनको विसर्जन क्यों करते हैं? की दृष्टि से जो वैदिक दृष्टि है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उन मूर्तियों में अगर कोई क्रैक भंगता आ जाए तो उनका विसर्जन अनिवार्य है, चाहे वो मूर्ति किसी की भी हो, शिवलिंग हो या कोई भी भगवान हो। हमने जो अपने गुरु मुख से जाना वो यही जाना कि खंडित मूर्ति की पूजा करना अनिवार्य नहीं है, विसर्जित करके वहां पर दूसरी मूर्ति रखना ही श्रेयस्कर उत्तम साधन है। और एक और जो पढ़ा है, जैसे अपन शिवजी पे जल चढ़ाते हैं तो पहले उनको सीधा जल क्यों नहीं चढ़ा सकते, जैसे पहले गणेश जी उनके उसमें रहते हैं शिवलिंग में और फिर पार्वती जी पे, फिर उसके बाद उनकी जो रहती है ना अशोक सुंदरी वहां पे चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद शिवजी पे जल चढ़ाते हैं। तो बहुत सिंपल जवाब है, कोई मंच पर नेता का या किसी का भी आयोजन होता है, वैसे इससे तुलना नहीं करनी चाहिए, उसका जवाब हम शास्त्रोक्त भी देंगे पर लौकिक बता देते हैं समझ के लिए आपकी। जब कोई नेता का प्रोग्राम होता है तो पहले छुटभैये नेताओं के भाषण करवाए जाते हैं, इसको गलत वे में मत ले जाना कि गणेश जी और पार्वती जी साधारण ही है। नहीं नहीं, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। मुखिया वही है जो अपने साथ वालों का पहले सम्मान करवा दे बाद में अपना, एक कारण ये है। अब तीसरा कारण भी सुनिए, गणेश भगवान प्रथम पूज्य है इसलिए उनका स्नान अनिवार्य बनता है। माँ पार्वती को भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं और रामचरितमानस में आया है, रामचरितमानस में आया है कि आप पढ़िएगा सीत, जैसे साधारण रामायण को मत लीजिए, ऐसे पढ़िए सीत, कीर्तन करिए तो सीताराम जानकी जी आगे राम जी पीछे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो पहले कौन आया? पार्वती। बाद में भोले बाबा, तो गणेश जी प्रथम पूज्य इसलिए उन्हें जल पहले चाहिए, फिर पार्वती माता नाम ही में आगे हैं तो उनको भी, बाद में भोले बाबा हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक और ये है, जैसे अपन अंगूठे से बड़ी जो शिवलिंग या फिर कोई भी मूर्ति रहती है वो घर पे क्यों नहीं रख सकते? उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा का होना अनिवार्य है, ये भी नाना मत प्राप्त हुए हैं। कई जगह 11 अंगुल से छोटी का मिला, कई जगह अंगूठे से ज्यादा बड़े नहीं रख सकते, अनेक अनेक मत दिए गए अपने अपने विचार अनुसार। तो बड़ी मूर्ति की सेवा पूजा, देखो हम सीधी सी भाषा में बता दें, जितना बड़ा शरीर होगा उतना ज्यादा भोजन लगेगा, इसलिए बड़ी मूर्ति रखो नहीं, क्योंकि गृहस्थ में जितनी भोजन करवा सको उतनी मूर्ति को रखना चाहिए। तो बहन जी, अंगूठा बराबर अथवा 11 अंगुल से छोटी शिवलिंगी घर पर पूजा सेवा में या मूर्ति कोई भी भगवान की हो रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आप संतुष्ट हैं? जी गुरु जी। एक और सवाल है सब, कुछ लोगों के और हो जाए। एक जी मेरा ये सवाल है, जैसे मैं रामायण पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन मैं कई बार उसको पढ़ नहीं पाती हूँ, बार बार मेरा मतलब मन करता है मैं रामायण पढ़ूँ लेकिन मैं वो बार बार पढ़ नहीं पाती, कहीं कुछ बात आ जाती है कहीं कुछ आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? जेब में डाल के चलो, जब मौका मिले तब पढ़ो,
ऐसा कोई भी नियम, रामचरितमानस केवल एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पढ़ने का कोई नियम नहीं है। जब मन करे, अब हम कहते तुम बालकांड ना पढ़ो, सीधो लंका पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो रामचरितमानस को अगर भंगता बन जा, आपने कहा नियम टूट जाता है, तो यही खेल है जिंदगी में। नियम ही जिसने बना लिया वो सिद्धि को पा जाता है।